सब्सक्राइब कीजिए तेज खबर 24 को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। तेज खबर 24 में इस वक्त रीवा से खबर आ रही है, जहां गुजरात से रीवा पहुंचे प्रवासी श्रमिक मार्तंड स्कूल के सामने धरने पर बैठ गए हैं। लगभग 100 से ज्यादा की संख्या में मौजूद यह श्रमिक मार्तंड स्कूल के सामने धरने पर बैठ गए हैं। इन श्रमिकों ने बताया कि यह गुजरात से यूपी आए थे, यूपी से इन्हें बस के माध्यम से चाकघाट बॉर्डर तक छोड़ा गया और वहां से इन्हें रीवा लाया गया, लेकिन रीवा से छत्तीसगढ़ इन्हें पहुंचाने की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते यह इंजीनियरिंग कॉलेज से मार्तंड स्कूल पहुंचे और मार्तंड स्कूल के सामने धरने पर बैठ गए हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर जो रीवा जिले से आ रही है, जहां लगभग 100 से ज़्यादा की संख्या में महिला और पुरुष प्रवासी श्रमिक मार्तंड स्कूल के सामने धरने पर बैठ गए हैं। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अमला पहुंचा है। इनको समझाइश दी गई है, इनकी मांग है कि इन्हें छत्तीसगढ़ तक इनके गांव तक छोड़ा जाए। इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां मार्तंड स्कूल के सामने 100 से ज़्यादा महिला और पुरुष श्रमिक इस बात को लेकर धरने पर बैठ गए हैं कि प्रशासन द्वारा उन्हें उनके गांव तक पहुंचाने की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। फिलहाल इन्हें समझाइश दी गई है और वापस इन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज ले जाया गया है, जहां से इन्हें छत्तीसगढ़ वापस छोड़ा जाएगा। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या सर, यहाँ से हम लोग जाना है बिलासपुर और यहाँ का सरकार हम लोग बोल रहा है कि जब तक आपके वहाँ का सरकार बस नहीं भेजेंगे तब तक हम आपको वहाँ नहीं भेज पाएंगे। या रास्ता हमारे पास से आप लोग भेजने के लिए कोई बस नहीं। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग आ रहे हैं गुजरात से आ रहे हैं सर। पहले ट्रेन से आए प्रयागराज तक और उसके बाद में यूपी सरकार हम लोगों को बस में भेज दिए यहाँ बॉर्डर, और यहाँ पर आए तो इन लोग बोल रहे थे आप लोग हम बॉर्डर में कहाँ से आए? उन लोग अपने हद तक छोड़ दिए सर कि हमारा हद तक जाना है। चाकघाट बस से आए। आप लोग कितने लोग कहाँ जाना चाहते हैं? लखनऊ जाना चाहते हैं। अपना घर जाना कितने लोग हैं? लगभग हम लोग 150 यहाँ आज आप लोग बैठे हैं, क्या दिक्कत है? यहाँ सर यहाँ से 2-3 दिन से तो ट्रेन में थे, परेशान हुए, खाना पीना जगह खाए हैं, बीवी बच्चे साथ में है, सामान है बहुत, और 2-3 बस से बदलते हुए इधर से उधर यहाँ आए इंजीनियरिंग कॉलेज एमपी में, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रोटी वोटी दिए और 2 दिन से बैठाया, मेडिकल चेकअप हुए, अब घर जाना चाहते हैं लेकिन घर भिजवा नहीं रहे। आपके छत्तीसगढ़ से कलेक्टर के आदेश आ गए, वहाँ से गाड़ी आ गए, तब आप अपने घर जा पाओगे, अन्यथा नहीं जा पाओगे। यही सड़े रहो, मरो, चाहे कुछ भी करो, हमको कोई मतलब नहीं है। तुम कितने दिन भी रहो, हमको कोई मतलब नहीं है। हम अपने नहीं भिजवाएंगे, वहाँ से गाड़ी आ गए तब भिजवाएंगे सब बोले सर। तो हम लोग सुबह में थोड़ा बहुत नाश्ता उचा किए, अभी तक शाम में निकले, थोड़े छोटे बच्चे हैं और अपना होम जाना चाहते हैं सर, घर जाना चाहते हैं। कितने लोग हैं अभी? अब हम लोग कम से कम 100 आदमी 150 आदमी कुछ ऐसे होंगे, बच्चे समेत लेकर सामान उमान है सर। बहुत परेशान है सर, घर जाना चाहते हैं और